जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑफलाइन फॉर्म ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले आप सभी के लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री महाराष्ट्र की तरफ से एक और भर्ती का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। फ्रेंड्स, ये आपकी जो वैकेंसी रहने वाली है, आपकी ऑल इंडिया वैकेंसी रहने वाली है। आप भारत के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। फ्रेंड्स, इस भर्ती के लिए ऑफलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं, आपको ऑफलाइन फॉर्म के द्वारा अप्लाई करना होगा। यदि बात करेंगे इसके एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ को लेकर है, तो फ्रेंड्स आप इस भर्ती का एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर पाएंगे। अब चलिए फ्रेंड्स, इसकी डिटेल में क्वालिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। देखिए फ्रेंड, जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है 6 अगस्त 2022 यानी जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो 6 अगस्त 2022 से शुरू हो जाएंगे। आप इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए 6 अगस्त 2022 से अप्लाई कर पाएंगे। यदि बात करेंगे अप्लाई करने की लास्ट डेट के बारे में, तो फ्रेंड्स आप इस भर्ती के लिए 21 दिन यानी 26 अगस्त 2022 तक अप्लाई कर पाएंगे। आप इसका जो ऑफलाइन फॉर्म यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे। यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन ज़रूर कर लेना। वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको लिंक को प्रोवाइड करा दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, बात करेंगे आपकी एप्लीकेशन फ़ी को लेकर, तो आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, आप सभी की यहां पर एप्लीकेशन फ़ी बिल्कुल भी नहीं रहने वाली। आप सभी को यहां पर बिल्कुल निःशुल्क आवेदन कर देना होगा। यदि बात करेंगे फ्रेंड्स आपकी एज की लिमिट को लेकर, देखिए फ्रेंड्स अभी यहाँ पर आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आप यहाँ पर एज को लेकर अभी आपका यहाँ पर जो फुल अभी आपका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, बट मैं आपको बता रहा हूँ यदि आपके यहाँ पर मिनिमम एज जो रहने वाली है आपका 18 साल मिनिमम एज रहने वाली है, और लगभग आपके यहाँ पर 28 साल मैक्सिमम एज आपकी रहने वाली है। आप सभी को यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है। यदि आप एससी एसटी कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पर 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलने वाला है। यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पर 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलने वाला है। देखिए फ्रेंड, जो आप सभी के लिए यहाँ पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, या आपके अप्रेंटिस के पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब कुछ भाई डर जाएंगे कि अप्रेंटिस तो भाई हमें नहीं करनी है, तो फ्रेंड्स मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, आज के टाइम पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो उन्हीं का सिलेक्शन हो पा रहा है जो अपनी कुछ अलग क्वालिफिकेशन रखते हैं। तो यदि आपके पास कोई अदर का अलग क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपको अप्रेंटिस ज़रूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की जो अप्रेंटिस से बहुत सारी ऑफलाइन में जॉब निकलती रहती हैं, तो इससे मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा आप अप्रेंटिस यहाँ से ज़रूर कर लें। समझ रहे हो ना। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपकी वैकेंसी निकाली गई है वो ग्रेजुएट पर्सन के लिए निकाली गई है, और टेक्नीशियन पर्सन के लिए यहाँ पर जो आपकी पोस्ट है वो इनवाइट की गई है। यदि बात करेंगे आपकी ग्रेजुएट पर्सन के लिए, तो आपकी 78 यहाँ पर वैकेंसी इनवाइट की गई है। साथ ही साथ देखिए, आपको अप्रेंटिस में वहाँ पर आपको सैलरी भी देखने को मिल रही है, आपको 9000 पर मंथ आपको सैलरी मिलने वाली। यदि आप टेक्नीशियन पर्सन हो तो आपको यहाँ पर 27 आपकी वैकेंसी रखी गई, आपको 8000 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप अपने यहाँ पर कैटेगरी वाइज पोस्ट देख पाएंगे। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ये आपकी ग्रेजुएट पर्सन के लिए हैं और ये आपकी टेक्नीशियन पर्सन के लिए आपकी कैटेगरी वाइज यहाँ पर पोस्ट रहने वाली हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, बात करेंगे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास डिप्लोमा होना अति आवश्यक है। डिप्लोमा आपके पास इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी से ही होना चाहिए, तभी आप भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपकी ग्रेजुएट अप्रेंटिस आपकी यहाँ पर निकाली गई। ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए। डिग्री आपके पास किसी भी स्ट्रीम से हो, आपकी किसी भी स्ट्रीम से आपके पास आर्ट, साइंस, कॉमर्स, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, किसी भी स्ट्रीम से आपके पास डिग्री हो, होटल मैनेजमेंट, सभी डिग्री से आप यहाँ पर, चाहे आपका साइंस से हो यानी, मेरा कहने का मतलब है आपके पास किसी भी यहाँ पर स्ट्रीम से आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। बात करेंगे आपके सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, आपका मेरिट के आधार पर, फ्रेंड्स आपके ऊपर मेरिट बेस के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, आपका फिटनेस टेस्ट यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा,
उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो फ्रेंड्स काफ़ी हार्ड यहाँ पर आपकी प्रोसेस रहने वाली है, जिस हिसाब से आपकी अप्रेंटिस रहने वाली है तो आपकी काफ़ी हार्ड यहाँ पर आपकी प्रोसेस रहने वाली है। ये फ्रेंड्स आपका रहने वाला एप्लीकेशन फॉर्म सेंडिंग एड्रेस, जहाँ पर आपको इंडिया पोस्ट के द्वारा आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड करना होगा, द जनरल मैनेजर ऑनडिडेंस फैक्ट्री देहू रोड पुणे महाराष्ट्र के लिए। आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सभी डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्टेड करके सेंड करना होगा। देखिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे सेंड करना है, और आपको ऑर्डिनरी पोस्ट के द्वारा सेंड करना है, स्पीड पोस्ट के द्वारा सेंड करना है, या आपको रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा सेंड करना है, तो ये अभी मैं आपको क्लियर नहीं बता सकता हूँ क्योंकि अभी इसका फुल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। आपका इसका जैसे फुल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा आपको कैसे इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना होगा। फिलअप करने वाली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे सेंड करना होगा। देखिए फ्रेंड्स ये आपके डॉक्यूमेंट रहने वाले हैं, जिन डॉक्यूमेंट को आपको सेल्फ अटेस्टेड करके सेंड करना होगा। सबसे पहले आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट यानी आपको 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, इसके अलावा यदि आप डिप्लोमा पर्सन हो यानी आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आपको डिप्लोमा की मार्कशीट को यहाँ पर एक फोटोकॉपी करवा लेनी होगी। इसके अलावा फ्रेंड्स यदि आप ग्रेजुएट पर्सन हो तो आपको ग्रेजुएशन की जो आपकी मार्कशीट है, फाइनल मार्कशीट है, उसकी आपको एक फोटोकॉपी करवा लेनी होगी। इसके अलावा फ्रेंड्स आप बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप बर्थ सर्टिफिकेट का उपयोग करेंगे, वरना आपको 10वीं की मार्कशीट की यहाँ पर एक फोटोकॉपी करवा लेनी होगी। इसके अलावा आपको जाति प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी करवा लेनी है। यदि आप जनरल कैंडिडेट हो तो आपको जाति प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी नहीं करवानी, आपको यहाँ पर सेंटर की जाति जो आपकी रहती है उसकी आपको फोटोकॉपी करवा लेनी होगी। इसके अलावा आपको निवास प्रमाण पत्र की एक फोटोकॉपी करवा लेनी है। आपको यहाँ पर चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता रहने वाली, जो आप सरपंच से अपने गांव का जो मुखिया होता है, जो गांव में देहात में कहते हैं प्रधान, आप उससे वहाँ पर आपका जो करेक्टर सर्टिफिकेट है जो आप अपने आधार कार्ड के लिए भी बनवा लेते हो वो आपको बनवा लेना, या आप गेजेटेड ऑफिसर से भी बनवा सकते हो। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी करवा लेनी होगी। ये सभी डॉक्यूमेंट आपको सेल्फ अटेस्टेड करके सेंड कर देने होंगे। आई होप आप समझ चुके होंगे एंड अभी आपका कोई डाउट नहीं रहा होगा। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं हूँ अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूँ, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पैसों के पीछे भागना है।